अधिग्रहण जमीन के मुआवजे में हो रहा है पक्षपात, किसानों ने श्रम मंत्री जूली को सौंपा ज्ञापन। मानढल थाना क्षेत्र के काठुवास गांव से होकर निकलने वाले रेवाड़ी झुंझुनू नेशनल हाईवे के लिए किसानों की अधिग्रहण की जा रही जमीन के मुआवजे में नेशनल हाईवे अथॉरिटी की ओर से पक्षपात करने की शिकायत को लेकर मंगलवार को काठुवास गांव के ग्रामीणों ने श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली को एक ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि काठुवास बस स्टैंड से होकर रेवाड़ी झुंझुनू स्टेट हाईवे गुजर रहा है, लेकिन अब इस सड़क मार्ग को नेशनल हाईवे NH 11 में तब्दील किया जा रहा है, जिसको लेकर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने किसानों की जमीन व मकानों को अधिग्रहण कर लिया है। किसानों ने यह भी कहा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारी जमीनों का मुआवजा दे रहे हैं तो उसमें भी पक्षपात कर रहे हैं। काठुवास गांव के पास हरियाणा के चंदपुरा, कुंड, पालरा आदि गांव लगते हैं। इन गांवों में रहने वाले किसानों को अच्छा मुआवजा दिया जा रहा है, लेकिन अलवर जिले के काठुवास गांव के किसानों को बहुत ही कम मुआवजा दे रहे हैं। किसानों की समस्याओं को सुनकर मंत्री जूली ने संबंधित विभाग के अधिकारियों से बातचीत कर समस्या के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया है।